नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने देखा था कि हम रेसबरी पाई और जेलीफिन की मदद से अपना खुद का नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जैसा OTT प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हैं, जिसको कि हमने लिनक्स पर सेटअप किया था। तो इस वीडियो में कई लोगों के कमेंट्स थे कि इसको विंडोज़ OS पर कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा और साथ में हम जेलीफिन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में भी जानेंगे जो कि पिछले वीडियो में रह गए थे। जेलीफिन क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो के साथ साथ पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम जेलीफिन का यूज़ विंडोज़ OS पर कैसे ले सकते हैं और विंडोज़ OS पर अपना OTT प्लेटफॉर्म यानी अपना मीडिया सर्वर कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर जेलीफिन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप आ जाइए डाउनलोड नाउ पर। तो आपको यहाँ पर अलग अलग OS के लिए इसके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मिल जाएंगे। आप जेलीफिन को लिनक्स के अलावा मैक OS और विंडोज़ पर भी सेटअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर विंडोज़ OS के लिए भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से जेलीफिन का स्टेबल, अनस्टेबल या और दूसरे वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे स्टेबल को, तो आपको यहाँ पर जेलीफिन का करंट स्टेबल बिल्ड मिल जाएगा। ये देखिए, आप यहाँ से इसकी सेटअप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए, ये मेरे डेस्कटॉप पर मौजूद है। ये करीब 124 MB की फाइल है। अभी आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे कि आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक ऐसे ही इसको भी आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर पाएंगे। बस आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर ये पूछेगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, बेसिक इंस्टॉल या एडवांस इंस्टॉल। एडवांस इंस्टॉल एडवांस यूजर्स के लिए है, यहाँ पर ये सर्विस की तरह इंस्टॉल होगा। यदि आप इसका आसानी से यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बेसिक इंस्टॉल को चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने में करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप जेलीफिन का यूज़ अपने विंडोज़ OS पर कर पाएंगे, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये देखिए, अभी यहाँ पर जेलीफिन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम जेलीफिन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्टार्ट मेनू पर जेलीफिन को स्टार्ट करने के दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक जेलीफिन व्यू कंसोल और एक जेलीफिन ट्रे ऐप। तो आप यहाँ से व्यू कंसोल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक वेब सर्वर क्रिएट कर देगा जो कि अपने आप ही आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये वेब सर्वर आपके लोकल होस्ट पर ओपन हो चुका है जो कि पोर्ट नंबर 8096 पर रन हो रहा है। तो यहाँ पर जेलीफिन का सेटअप विजार्ड आ चुका है, अभी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको पिछले वीडियो में सेटअप किया था, ठीक इसी तरह से आप इसको यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, अपना यूज़र क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर यूज़र नेम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, जो भी आपका करंट विंडोज़ का यूज़र है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं या आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी मीडिया लाइब्रेरी को सेटअप कर लीजिए कि आप यहाँ पर कौन सी वीडियोज़ को ऐड करना चाहते हैं। आप अपने कॉन्टेंट का टाइप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया मूवीज़। अपनी मीडिया लाइब्रेरी का नाम सेट कर दीजिए कि आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी का नाम क्या देना चाहते हैं, वो नाम आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। उसके बाद सेट कीजिए फोल्डर्स, जहाँ भी आपकी वीडियो सेव हैं वो फोल्डर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने डी ड्राइव में से ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है जहाँ पर कुछ वीडियोज़ पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइब्रेरी की और भी कई सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मूवीज़ का मेटा डाटा डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। यदि आपने आपके वीडियोस फोल्डर के अंदर कोई मूवी को डाला हुआ है और यदि वो मूवी OMDB के डाटाबेस पर मौजूद है तो यहाँ पर वो उसको ऑटोमेटिक ही सर्च कर लेगा। उस मूवी का पोस्टर, उसकी रेटिंग, उसकी कास्ट, उसका डायरेक्टर, उसका पूरा मेटा डाटा ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। आपको वहाँ पर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के आपको ऑप्शन यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं जिनको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आप अपने मेटा डाटा के लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अपने वीडियोज़ के मेटा डाटा के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। आप यहाँ पर कॉन्फिगर रिमोट एक्सेस को भी सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो यूज़र क्रिएट किया था आप उससे यहाँ पर लॉगिन हो जाइए और आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। जो हमने मीडिया लाइब्रेरी क्रिएट की थी वो यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर एक वीडियो है द लॉयन किंग नाम से। तो अभी यहाँ पर जेलीफिन इस टाइटल को OMDB पर सर्च करेगा और यदि यहाँ पर ये मूवी इसको मिलती है तो उसका मेटा डाटा ऑटोमेटिक ही यहाँ पर सेट हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर एक वीडियो नहीं, यहाँ पर 2 वीडियो हैं। इसके लिए आपको थोड़ा इसको रिफ्रेश करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा डाटा मेटा डाटा के साथ शो हो जाएगा
और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों वीडियोज आ चुके हैं, और जो हमारा द लॉन किंग वाला वीडियो है आप उस पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑटोमेटिक पोस्टर भी सेट हो चुका है और इसका पूरा IMDb का मेटा डाटा भी यहाँ पर आ चुका है, आप इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही आपके मूवीज का मेटा डाटा OMDB से डाउनलोड कर सकता है। इसको आपको मैनुअली सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि आप मैनुअली सेटअप करना चाहते हैं तो आप इसको मैनुअली भी सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने वीडियो पर पोस्टर सेट कर दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पर इस वीडियो का अपने हिसाब से मेटा डाटा भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो का टाइटल, उसकी टैगलाइन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके टैग्स, इसकी रेटिंग, यहाँ तक कि आप यहाँ पर अपनी मूवी की कास्ट भी सेट कर सकते हैं कि मूवी का डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, वो सब आप यहाँ पर मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इसका मेटा डाटा सेट कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो का पूरा मेटा डाटा सेट हो चुका है। अभी आप इसको यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, आपको यहाँ पर इसके प्लेयर के अंदर वही सेम एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको लिनक्स के अंदर मिलते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी सेट कर सकते हैं, पिक्चर इन पिक्चर मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसके प्लेयर के अंदर सारे मॉडर्न फीचर मिल जाते हैं जिनका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सर्वर को सेटअप और कॉन्फिगर भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर कई सेटिंग्स मिल जाती हैं। आप यहाँ से अपने सर्वर की डिटेल देख सकते हैं कि अभी जेलीफिन कौन सी डिवाइस पर एक्टिव है, आपने अभी रिसेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपने सर्वर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सर्वर का नाम, उसकी लैंग्वेज, उसका पाथ, अपनी ब्रांडिंग भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से परमिशन दे सकते हैं, अपनी मीडिया लाइब्रेरी को सेटअप कर सकते हैं, नई मीडिया लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से प्लेबैक सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, आप यहां पर हार्डवेयर एक्सेलेरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, यदि आप अपने सिस्टम पर ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करते हैं तो वो भी आप यहां पर सेट कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है। बाकी सारी सेटिंग्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इस तरह से आप यहां पर अपने विंडोज़ ओएस पर एक पावरफुल मीडिया सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी मीडिया फाइल्स को स्टोर करके अपनी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आप इस सर्वर को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप व्यू कंसोल पर जाकर इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, इसके लिए प्रेस कर दीजिए Ctrl+C, तो यहाँ पर आपका सर्वर स्टॉप हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि आप जेलीफिन का यूज़ रेसबेरी पाई या विंडोज़ ओएस पर कैसे कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।